हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बार्बिकनेशन स्टाइल काजन स्पाइस्ड पटेटोज, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। घर में अगर मेहमान आए हों तो हम ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहते किचन में, तो ये फटाफट बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं काजन स्पाइस्ड पटेटोज। काजन स्पाइस्ड पटेटोज बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मेयोनीज और ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। आप हमेशा ओरिगैनो हाथ से क्रश करके डालिए तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट, और मैंने यहाँ पर डाली है देगी मिर्च या कश्मीरी रेड चिली पाउडर, या फिर आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्वीट चिली सॉस भी डाली है, हॉट एंड स्वीट चिली सॉस। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ छोटा आधा प्याज, बहुत ही बारीक कटा हुआ, और मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये सॉस बहुत ही यमी लगती है, आप इसे डिप की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, जो कि शायद मैं भूल गई थी। और यहाँ हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा हल्का ऐड कर देंगे कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, थोड़ी सी रनी। अभी कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है, मैं इसे साइड में रख दी। यहाँ मेरे पास 12 से 14 बेबी पटेटोज़ हैं जो कि बॉइल्ड हैं, और ये 90% कुक हैं। अब हम इसे इस तरह से पाम की हेल्प से प्रेस करके इसे फ्लैट कर लेंगे। और हमें ये स्किन के साथ ही करना है, तो आप स्किन ना निकालें पटेटोज की। एंड लुक, हम इस तरह से सारे पटेटोज को कर लेंगे। अब हम एक बनाएंगे स्लरी, जिसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप कॉर्नफ्लावर एंड 2 टेबल स्पून मैदा। अब हम उसमें नमक डालकर एक स्लरी बना लेंगे, नमक और पानी डालकर ऑफकोर्स। ये एक बहुत अच्छी सी कोटिंग देगा हमारे पटेटोज को, क्रिस्पी। तो अब हम इसे डिप करेंगे पटेटोज को और डीप फ्राई कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये वैसे ही पटेटोज बिना सॉस के भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो आप ऐसे ही दे दो, वैसे ही खा लेंगे। हम इसे अच्छे से डिप करके सारे हम पटेटोज को डीप फ्राई कर लेंगे, और क्रिस्पी करना है हमें। जब ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर आपको थोड़ा टाइम है बनाने में तो आप प्लीज एक छन्नी में निकाल के रख दीजिए, जिससे एयर सर्कुलेट होती रहेगी और वो सॉगी नहीं होंगे। लेकिन मुझे तुरंत करना था इसलिए मैंने नहीं रखा छन्नी पे। अब हम इसे एक सर्विंग डिश पे अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर सॉस को हम इस तरीके से पोर कर लेंगे। अगर आपकी सॉस रखे रखे गाढ़ी होगी तो डोंट वरी, आप मिल्क ऐड करके ऑफकोर्स उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो हम इसे, मुझे तो वापस खाने का मन कर रहा है सच में। और हम पूरे पटेटोज़ को कवर कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती से। एंड हमारा इजी पीजी क्विक स्टार्टर रेडी हो गया है, एंड बहुत ही फैंसी सा। सो या प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय, सी यू। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन, बाय बाय।